लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि 2022 में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर आप बहुत ही इजी वे के साथ कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप कनाडा के बारे में नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में जो डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको देखना जरूरी है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन से बेस्ट वेज हैं जिनको अपनाकर आप 2022 में कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसे के पीएनपी प्रोग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा के हर प्रोविंस का अपना अपना नॉमिनी प्रोग्राम है, तो इसके आधार पे आप कनाडा जा सकते हैं। आपको इनविटेशन दिया जाता है, उसमें क्या होता है उसके आधार पे आपकी सिलेक्शन की जाती है। तो इस नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू भी आप इजीली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। इवन के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो भी पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है कनाडा जाकर सेटल होने का। इसकी डिटेल में जानकारी आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। दूसरा आगे आ जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो बच्चे स्टडी वीजे पे जाते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर भी आप कनाडा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, वहां पढ़ाई करने के लिए भी आप जा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको एक साल या दो साल का कोर्स चूज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर ही आपको वर्क परमिट भी मिलता है। तो ये भी बहुत ही ईजी वे है कनाडा जाकर सेटल होने का। तीसरा है स्पाउस वीजा। अगर आपका स्पाउस जो है वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहा है, अगर वो कनाडा का सिटीजन है या फिर कनाडा की पीआर उसे मिली हुई है, तो आप उसके साथ रहने के लिए कनाडा मूव कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है कनाडा जाकर सेटल होने के लिए। आगे हम बात करने जा रही हैं इन्वेस्टर वीजे के बारे में। इन्वेस्टर वीजा मीन्स स्टार्टअप वीजा। इन्वेस्टर वीजा लेकर वो लोग जाते हैं जो कनाडा जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप वीजा लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट फंड होने चाहिए आपके पास, तो इजीली आप कनाडा जाकर स्टार्टअप वीजा लेकर सेटल हो सकते हैं। ये भी बहुत ही इजी वे है कनाडा जाकर सेटल होने के लिए। आगे हम बात करने जा रहे हैं वर्क वीजे के बारे में। अगर किसी कंपनी का कनाडा की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है या फिर किसी कंपनी की कनाडा में कोई ब्रांच है, तो भी आप कनाडा जा सकते हैं काम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, तो भी आपको वर्क वीजा मिलता है। इसमें क्या है, इसमें आपकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती, तो ये भी अच्छा तरीका है कनाडा जाकर सेटल होने का। तो ये पांच तरीके हैं जिनको अपनाकर आप 2022 में इजीली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, पीएनपी प्रोग्राम जिसे के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहा जाता है, स्टूडेंट वीजा हो गया जिसे के स्टडी वीजा बोलते हैं, तीसरा स्पाउस वीजा हो गया, फिर हो गया आपका इन्वेस्टर वीजा जिसे के स्टार्टअप वीजा भी बोला जाता है, और पांचवा हो गया वर्क वीजा। तो इन पांच तरीकों को अपनाकर आप 2022 में कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो इन तरीकों को अपनाकर इजीली कनाडा जाइए 2022 में, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन से इजी वे हैं कनाडा जाकर सेटल होने के लिए। इन सारे वीजों के बारे में अगर आपने डिटेल में जानकारी लेनी है ना, तो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए www.cic.gc.ca, वहां जाकर आप डिटेल में सारी जानकारी किसी भी वीजे के बारे में ले सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आप कनाडा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे भी बातचीत कर सकते हैं हमारे पीछे दिए नंबर पे। नंबर नोट कर सकते हैं आप 9882950, इस नंबर पे आप बातचीत करके किसी भी वीजे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं तो आपको सही रास्ता मिले कनाडा जाने के लिए, आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो 2022 में कनेडा जाकर सेटल होना चाहते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।